नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में कंपेयर करेंगे थार गाड़ी को स्कॉर्पियो के साथ। थार का ये 4x2 पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट है दोस्तों, और स्कॉर्पियो का ही बेस मॉडल Z2 पेट्रोल के साथ। दोनों ही जो कीमत है काफी नजदीक है। स्कॉर्पियो मिलती है आपको 13,05,000 रुपये में, वहीं आपका जो थार गाड़ी है वो मिलती है 13,49,000 रुपये में। ऑन रोड आते आते ये फर्क और कम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपकी स्कॉर्पियो है 4 मीटर से ज्यादा और थार है 4 मीटर से कम, तो टैक्स का फर्क होता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू फॉर मनी और प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर चॉइस रहेगी दोस्तों। इसलिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, तो फैसला लेने में आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी कौन सी वाली गाड़ी के लिए आप जाएं। फ्रंट से जो लुक है दोनों में पूरा हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है आपको, LED वगैरह इस्तेमाल नहीं मिलेंगी। थार में एक छोटा सा DRL जरूर मिलता है जो इंडिकेटर के ऊपर बैठता है दोस्तों। यहां पर मैं नजदीक से दिखाई देता हूं, सनलाइट ज्यादा है शायद ना देख पा रहे आप। देखिए नीचे फोग लैंप मिलता है, वो भी हैलोजन बल्ब के तौर पर मिलेगा आपको। ऐसी कोई भी चीज़ आपको स्कॉर्पियो में नहीं मिलेगी, उसमें आपको एक छोटा सेटअप मिलता है, फोग लैंप वगैरह नहीं मिलेंगे। डबल बैरल का हैलोजन हेडलैम्प मिलेगा दोस्तों, ये अच्छी बात है। उसी हाउसिंग में इंडिकेटर के लिए बल्ब है और साथ में पोजिशन लाइट मिलती है नीचे यहाँ पर। लेकिन रुतबा दोनों ही गाड़ियों का जबरदस्त है अपनी अपनी जगह दोस्तों। बात आ जाती है प्रैक्टिकलिटी की, तो मेरे हिसाब से तो स्कॉर्पियो ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिकलिटी आपके लिए। जो पैसे की वैल्यू है ना, स्कॉर्पियो ज़्यादा बेटर क्रिएट करिए दोस्तों। जानते हैं और साबित करते हैं इस बात को कैसे। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, जो कि थार गाड़ी एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए डिजाइन की गई थी, वो झलक आपको देखने को मिलती है। 226 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है जबरदस्त हो जाता है दोस्तों। देखिए कितना जबरदस्त है, यहाँ से देखने पर तो आपको स्कॉर्पियो का ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसे मिलता है 187 mm का दोस्तों। कम जरूर है, लेकिन खराब से खराब रस्ते को ये भी गाड़ी आसानी से टैकल कर सकती है, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ बॉडी ऑन फ्रेम है, रियर व्हील ड्राइव है। थार गाड़ी में ऑफ रोडिंग की झलक आपको देखने को मिलती है, उसकी पहला सबूत है ये बड़ा सा चंकी बम्फर जो बाहर की तरफ निकला हुआ है थार की बैजिंग के साथ। ये इस गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है, इससे जो इसका अप्रोच एंगल है वो भी बेहतर मिलता है आपको। देखिए टायर कितना ज़्यादा दिखाई देता है इसमें आगे से, इतना आपको स्कॉर्पियो में नहीं मिलेगा। इसलिए है क्योंकि अगर बड़ा ऑब्स्टेकल आता है तो थार गाड़ी इसको आसानी से टैकल कर लेती है बगैर बॉडी को टच हुए हुए। वो चीज़ आपको स्कॉर्पियो में बड़ी ध्यान से निकालनी पड़ेगी दोस्तों, बम्फर नीचे की तरफ है ना। लेकिन फिर भी यदि आप इस तरीके से शहर के लिए गाड़ी देख रहे हैं सिर्फ एक मॉचो लुक के लिए, तो स्कॉर्पियो भी एक जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करती है आपके लिए दोस्तों। इसमें या दोनों ही गाड़ियों मिलता है आपको 2000 cc का पेट्रोल इंजन। थार गाड़ी बनाता है 150 bhp की और स्कॉर्पियो में बनाता है जबरदस्त 200 bhp दोस्तों। वाह भाई वाह, बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है, तो जबरदस्त पिकअप मिलेगा आपको। एम स्टैलियन इंजन है, बड़े शानदार हैं दोस्तों रिफाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ एक छोटा एंटीना मिलेगा आपको थार गाड़ी पे, रिवेट्स वगैरह बोल्ट्स वगैरह पूरी तरीके से विजिबल होंगे, क्योंकि रफ एंड टफ गाड़ी बनाने की पूरी कोशिश की गई है और उस चीज़ें पर खरी उतरी है महिंद्रा। ऐसा कुछ आपको स्कॉर्पियो में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जो इंडिकेटर हैं देखिए वॉल्यूम के ऊपर दिए गए, काफ़ी बड़े साइज का वॉल्यूम है दोस्तों। ये ऐसा कुछ आपको थार में नहीं मिलेगा दोस्तों। साइड में जो इंडिकेटर है यहाँ फेंडर पे दिए गए हैं, जो एक्सटेंडेड व्हील आर्च है ना उसके ऊपर साइड से मिलती है आपको थार में। ऐसा कुछ आपको बेस मॉडल स्कॉर्पियो में नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा पे करने के बाद ही ले सकते हैं आप। रूफ रेल वगैरह भी नहीं मिलेंगे आपको स्कॉर्पियो एन में। शार्क फिन एंटीना जरूर मिलता है। ऐसी कोई भी चीज़ आपको जो है थार में नहीं मिलेगी, हार्ड टॉप वाली जरूर है दोस्तों, लेकिन ऐसा कोई फीचर फंक्शन इसमें नहीं दिए गए हैं। दोनों जो गाड़ियाँ इसमें डोर ओपनिंग हैंडल आपके ब्लैकआउट मिलते हैं। देखिए बॉडी कलर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया है इसमें। अब चलते हैं पीछे की तरफ और वहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको। ऐसा कुछ लुक मिलता है पीछे से, काफ़ी बेहतरीन सा LED का इस्तेमाल किया गया है आपका दोनों ही गाड़ियों में, टेल लाइटों में बड़ी बेहतरीन वोल्वो इंस्पायर टेल लाइटें मिलती हैं आपको स्कॉर्पियो में। काफ़ी बड़ी हैं गाड़ी के साइज़ के हिसाब से। वैसे उसमें बॉक्स मिलती हैं आपको रेक्टेंगल शेप की, वर्टिकल दी गई हैं वो। लेकिन इसमें लुक में 4 चांद लगा रहा है पीछे से स्पेयर व्हील, जो कि फुल साइज का है, फुल प्रोफाइल का है जो मेन टायर होगा दोस्तों। यहाँ कॉस कटिंग नहीं की गई है और एक जबरदस्त माचो लुक देता है इस गाड़ी को। ऐसी कोई भी चीज़ आपको स्कॉर्पियो में नहीं मिलेगी, उसमें स्पेयर व्हील मिलता है आपको अंडर द बॉडी। हालांकि मिलेगा सेम साइज का, स्टील नहीं मिलते हैं बेस मॉडल में, तो वैसी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर भी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो रिवर्स गियर के लिए बल्ब जलता है वो जलता है यहाँ नीचे। जो फ्यूल टैंक है स्कॉर्पियो एन में मिलेगा आपको 57 लीटर का, बिल्कुल सेम टू सेम मिलता है आपको थार गाड़ी में 57 लीटर का ही। लेकिन अच्छी बात ये लगी स्कॉर्पियो में, इसमें स्मार्ट आपका फ्यूल कैप ओपनिंग सिस्टम मिलता है। गाड़ी अनलॉक होगी तो ऐसे दबाएंगे ना इसको तो ओपन हो जाता है ये इस प्रकार से। और जो थार गाड़ी है उसमें ऐसा नहीं फीचर मिलेगा आपको दोस्तों। हालांकि लोकेबल जरूर है बाहर से, वो एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है, लेकिन ये फ़र्क जरूर रहेगा। अगर बूट की बात करें ना पीछे से प्रैक्टिकलिटी लगेज वगैरह, देखिए आप घूमने जाएंगे तो साथ जरूर होगा आपके। तो थार गाड़ी एक तो 4 सीटर है, साथ में अगर सभी सीटें अपनी जगह पे होंगी तो जो पीछे बूट का स्पेस है वो बड़ा कम मिलता है आपको। देखिए यहाँ पर छोटे मोटे बैग ही रख सकते हैं आप। हालांकि इन सीटों को यदि फोल्ड कर देंगे आप तो थोड़ा सा और बेहतर मिल सकता है, लेकिन फिर 2 ही बंदे बैठ पाएंगे, तो ये चीज़ ज़रूर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। और ये डबल ओपनिंग होता है दोस्तों, ये जो ग्लास ऊपर ये अलग से ओपन होता है और नीचे वाला पोर्शन भी मैंने आपके सामने किया है वो अलग से आपको ओपन करना पड़ेगा। इसी चीज़ को कंपेयर करें अगर स्कॉर्पियो एन के साथ, तो यहाँ तो भाई मज़ा आ जाएगा आपको। आप देखिए यदि 4 या 5 बंदे बैठेंगे ना
तो पूरे वीक का जो ट्रिप है उसका लगेज आपको यहाँ आसानी से बिठा सकते हैं दोस्तों। लोडिंग लिफ्ट वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ जरूर है। अगर और भी ज़्यादा बंदे हैं ना पूरा ग्रुप आपका घूमने के लिए, तो सिंपली सीट को ऐसे कीजिए और इसको अनफोल्ड कीजिए ऐसे। और अब देखिए आप छोटे मोटे बैग रखने के लिए तो अभी जगह बच गई है दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं लेकिन छोटे मोटे रख पाएंगे आप। और साथ में सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, इस बार गजब ही तो कर दिया महिंद्रा ने दोस्तों, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है और बड़ी बेहतरीन सीटें हैं, काफ़ी हैवी फील होता है। यहाँ पर आपको टूल मिलता है दोस्तों, और यहीं से एक नट के माध्यम से आप, यहाँ एक नट दिया गया है, इसको रैप को हटा के और आप स्पेयर व्हील को एक्सेस कर सकते हैं। अब रियर सीट वगैरह में जाने का जो तरीका है, क्योंकि ये बराबर 5 डोर है दोस्तों, तो पीछे देखिए यहाँ से आसानी से आप ऐसे करें और सेकंड रो में बैठ सकते हैं। उधर से पीछे जाने का रास्ता दिखाऊंगा मैं आपको। और स्पेस देखिए आप 2750 mm 2750 mm का आपको व्हील बेस मिलता है, और ज़बरदस्त सीटों की कुछ नहीं वगैरह, फैब्रिक वगैरह जो है बहुत बेहतरीन क्वालिटी का यूज़ किया गया है। आप देखिए कितना ज़बरदस्त है, ये डार्क कलर का है ना दोस्तों, तो आसानी से मैले वगैरह भी नहीं होगा, तो चाहे तो आप इसके ऊपर सीट कवर लेदर वाले ना लगाए ना तब भी अच्छा काम चल सकता है आपका, क्योंकि ये जो कवर होते हैं फैब्रिक वाले ये स्वेटिंग की प्रॉब्लम से बचाते हैं हमें और कंफर्ट भी ज़्यादा देते हैं। आर्मरेस्ट मिलता है आपको कप होल्डर के साथ, ये अच्छी बात है। अभी पॉलिथीन अप्लाई हो रखा है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। और ये देखिए आप 60-40 फोल्ड होता है, हाँ ये सीटें, ये भी बता दूँ मैं आप, तो बेहतरीन से बेहतरीन आपको कह सकते हैं ना प्रैक्टिकलिटी निकल के आती है। एसी के वेंट्स मिलते हैं, नीचे सी टाइप का एक चार्जिंग पॉइंट मिलता है, इसमें कॉयल आपको Z4 से मिलनी शुरू होती है, Z2 में सिर्फ वेंट मिलेंगे आपको। पीछे पॉकेट्स मिलती हैं मैगजीन के लिए, वाह भाई वाह। और ये दोनों तरफ मिलेंगे दोस्तों, बड़ी बेहतरीन बात है। 2 एयरबैग मिलते हैं, ABS, ESP सब चीज़ें मिलेंगे आपको, चारों में डिस्क वगैरह, सभी जो लाइटें हैं केबिन के अंदर वो LED मिलेंगे दोस्तों, बेस मॉडल से ही। मजा ही वाली बात है दोस्तों, कोई फ्लोर हम वगैरह भी नहीं है बीच में, तो तीन बंदे बैठेंगे ना, गाड़ी की विड्थ ज़बरदस्त है, तो कोई मशक्कत नहीं होगी स्पेस पॉइंट व्यू से। प्रैक्टिकली आप देखिए यहाँ बोतल बैठ जाएगी आसानी से, सभी पावर विंडो मिलती हैं आपको, डुअल टोन में डैशबोर्ड, माफ़ कीजिए डोर पैनल दे रखा है आपका, कॉफ़ी विद ब्लैक, हालांकि मिलेगा ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक की, लेकिन फिर भी एक बहुत काबिल तारीफ बात है दोस्तों। बड़ी बड़ी ग्लासेज हैं विंडो के, तो बड़ा अच्छा एक महसूस कराएंगे आप, अंदर बैठने के बाद बाहर के नज़ारे लेंगे ना घूमते टाइम, तो मज़ा आ जाएगा आपको। वहीं थार गाड़ी अगर बात की जाए ना दोस्तों, तो ये 2 डोर है दोस्तों, तीसरा आपका बूट के लिए है, तो पीछे जाने के लिए आपको ये जो सीट है ना थोड़ी सी हार्ड आगे जाती है ऐसे करके, यहाँ पर एक लीवर दिया गया है, तो इसके माध्यम से आप पीछे जा सकते हैं, इतना स्पेस मिलता है आपको पीछे जाने के लिए, तो मशक्कत तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, ये बात में पक्का है। तो भाई वह रफ एंड टफ या माच वाली ज़िंदगी है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको, ये बात जरूर रहेगी, लेकिन ऊंचा बैठते हैं इसमें भी काफ़ी अच्छा एक फील आता है, पूरे तरीके से जो बोनट वगैरह है विजिबल है, तो इसकी अलग से एक फ़ैन फॉलोइंग है, युवाओं को बड़ी पसंद है गाड़ी दोस्तों। छोटा सा ग्लो बॉक्स वगैरह मिलता है आपको, जो सीटें हैं इसमें एक अच्छी बात ये दिखाई देगी आपको, वहाँ पूरे तरीके से फैब्रिक था, यहाँ ये वाला जो पोर्शन है ना साइड वाला ये लेदराइट है, बीच में फैब्रिक है, और ये बकेट ज़्यादा फील कराती हैं या पकड़ के ज़्यादा रखेंगे आपको स्कॉर्पियन के मुकाबले, क्योंकि इस गाड़ी को जैसे मैंने बताया था ना ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है, तो वो चीज़ें बिल्कुल वैसी रहेंगी आपकी। और आप साइड में देखते जाएं यहाँ पे बड़ा अच्छा एक लेआउट दिया गया है गियर लीवर वगैरह का, आगे वाली ही विंडो रोलेबल है दोस्तों, यहाँ पावर विंडो कंट्रोल दे रखे हैं उनके लिए, 2 कप होल्डर वगैरह मिलते हैं, यहाँ कुछ सामान रख सकते हैं, अदरवाइज फिनिश से फोन वगैरह रखेंगे दाएं बाएं नहीं जाएगा वो। इसी चीज़ को कंपेयर करें अगर स्कॉर्पियो एन के साथ, सबसे पहले फ्रंट डोर को ओपन करते हैं, इसका काफ़ी बड़े बड़े डोर हैं दोस्तों, आप देखिए कितना बड़ा डोर है, अगर साथ में दोनों डोर को मैं साइमल्टेनियसली खोलता हूँ तो आप देखिए इनकी लेंथ वगैरह में कितना फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है, काफ़ी लंबा डोर है दोस्तों स्कॉर्पियन का। और ये जो डुअल टोन फील होता है ना चॉकलेट के साथ ब्लैक, इसने इसके लुक में 4 चांद लगा दिए हैं, एक प्रीमियमनेस फील कराता है ये। ORM जो है वो आपको हाथ से ही फोल्ड अनफोल्ड और सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी, कोई भी किसी प्रकार की जोकी वगैरह या लीवर नहीं दिया गया है, सभी पावर विंडो रहेंगी, रिमोट के साथ लॉकिंग नहीं मिलती है बेस मॉडल में आपको, मैनुअल सेंटर लॉकिंग जरूर मिलेगी, तो उसके लिए बटन रहेगा यहाँ पे, ये विंडो को लॉक कर सकते हैं, जो ग्लासेस वगैरह बच्चे बार बार ओपन ना करें, बोतल बैठने के लिए, डस्टिंग के लिए, क्लोथ रखने के लिए काफ़ी जगह बच जाती है इसमें। जो ड्राइवर सीट है वो हाइट के लिए एडजस्टेबल नहीं रहेगी, बेस मॉडल है, सिर्फ बैकरेस्ट के लिए रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो स्टेयरिंग व्हील है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, देखिए ये बेहतरीन चीज़ है। वैसे ऊँचा बैठते हैं दोस्तों, देखिए पूरी तरीके से बोनट विजिबल है, तो इससे बेहतर और चीज़ क्या डिमांड करेंगे, दोनों ही फ्लिप की मिलती हैं लेकिन रिमोट वाली नहीं मिलेगी आपको कौन सी भी, सिंपल डमी वाले बटन सही दोस्तों। यहाँ आइडल स्टार्ट स्टॉप को ऑफ कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं MID के बीच में, जो दोनों टैकोमीटर स्पीडोमीटर के बीच में जो MID है ना छोटी सी, उसको टैकल करने के लिए है, उसमें अलग अलग जानकारी आप ले सकते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, देखिए डिस्टेंस टू MT वगैरह, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सब चीज़ें शो करता है ये, तो यहाँ से हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं आप। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल मिलते हैं दोस्तों बेस मॉडल में, बहुत ज़बरदस्त बात है ये,
और सीटें देखिए आप कितनी जबरदस्त है, अंडर था स्पेस 6 फुट तक का बंदा भी राजा महाराजा की तरह बैठेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी स्पेस की। काफी अच्छा ही काम रेस्ट मिलता है, हालांकि हार्ड प्लास्टिक है ये, और उसके नीचे कुछ स्पेस मिलेगा आपको। 2 छोटे कप होल्डर मिलते हैं, 6 स्पीड का अल्ट्रा स्मूथ गियर बॉक्स है दोस्तों, अल्ट्रा स्मूथ मजा भाई। महिंद्रा ने लिफ्ट एंड बाउंसेस इंप्रूवमेंट की है स्कॉर्पियन के साथ। यहाँ रबराइज फिनिश मिलती है आपको, एयरबैग ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे लाइटें चलती हैं आपकी, यूएसबी आपका पॉइंट मिलता है यहाँ पे, जिससे आप ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्स भी मिलता है, मैनुअल एसी रहेगा, ऐसा कुछ लेआउट मिलता है आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन का दोस्तों। हालांकि एंड्रॉयड है ये, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रिस्पॉन्सिव है दोस्तों। बेस मॉडल में चीजें दे पाने अपने आप में काबिल तारीफ बात है, ये वही है जो स्कॉर्पियो क्लासिक में टॉप मॉडल में आता है आपका। 2 एयरबैग जैसे मैंने बताया है, मिलते हैं इसमें। इसी को कंपेयर करते हैं अगर थार गाड़ी के साथ, वहां क्या मिल रहा है आपको। डोर ओपनिंग काफी वाइड है दोनों गाड़ियों में, तो बैठते उतरते टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये ऊंची बहुत है स्कॉर्पियन से भी दोस्तों। तो बुजुर्ग वगैरह होंगे आपके परिवार वगैरह के साथ ट्रैवल कर रहे होंगे ना, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अंदर बैठते टाइम उतरते टाइम। जो ओआरवीएम है इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ आते हैं, फोल्डेबल नहीं रहेंगे वो, ये प्लस पॉइंट है स्कॉर्पियन में नहीं मिल रहा था, लेकिन स्पेस वगैरह ठीक ठाक है। यहाँ पर ड्राइवर सीट आपकी एडजस्टमेंट होती है ऊपर नीचे, जो स्कॉर्पियन के बेस मॉडल में नहीं होती है, ये भी एक फर्क है। ऑटोमेटिक मॉडल है तो क्लच का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन डेड पेडल नहीं मिलता जो स्कॉर्पियन में मिल रहा था आपको। यहाँ मार खा जाती है ये स्कॉर्पियो एन के मुकाबले। ये जो बटन है साइड में ये सेम टू सेम है, हेडलाइट स्टार्ट स्टॉप, और यहाँ से आपकी जो MID उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं आप। अब बैठते हैं इसके अंदर और वहाँ से एक्सप्लोर करते हैं। जो स्टेयरिंग व्हील है वो सिर्फ आपका हाइट के लिए एडजस्टमेंट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा। इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है, ये एक्स्ट्रा है जो स्कॉर्पियन में नहीं मिल रहा था, बाकी ये बटन सेम है दोस्तों। ऐसी कुछ MID मिलती है आपको देखिए, और यहाँ से मैंने बताया था ना आपको, ये बटन दबाएंगे तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देखिए सामने आपकी हो रही है, मैं बटन दबा रहा हूँ ना साइड से, तो जानकारी तो सभी मिलती है इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा फील कराएगा ये। उससे अलग जरूर है ये कलर्ड है, वो सिंपल मोनोक्रोम मिलता है आपको वाइट, लेकिन दोनों की क्लैरिटी जबरदस्त है, एक अप मार्केट फील जरूर देते हैं दोस्तों ये। इधर आपके हेडलाइट के टॉगल मिलते हैं, इधर आपके वाइपर वाशर के, ऑटोमेटिक वगैरह नहीं मिलेंगे दोनों गाड़ियों में आपको। यहाँ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं आपको क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है, हिल होल्ड जिसमें मिल रहा है आपको उसमें नहीं मिलेगा दोस्तों। हिल स्टार्ट मिलता है, उसका ई वेरिएंट लेना पड़ेगा जो 13,24,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं आपको, 19,000 रुपए तो ही जो चीजें मिलती हैं आपको। एक मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC, और दूसरी मिलेगी हिल होल्ड जो 19,000 रुपए पे करने बाद आप स्कॉर्पियन में भी ले सकते हैं, फिर और ज्यादा इसे क्लोज आ जाएगी वो। यहाँ से लो कर सकते हैं ग्लास को, ESP को ऑफ कर सकते हैं, एयरबैग या सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह लाइटें चलती हैं यहाँ पर, मैनुअल AC रहेगा। ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है आपको, थोड़ा छोटा जरूर मिलेगा दोस्तों, लेकिन एंड्रॉइड ऑटो ऐप काबिल सपोर्ट करता है, ये प्लस पॉइंट है। यहाँ से इसको रात होते टाइम आपको ऑफ भी कर सकते हैं, आपकी आंखों में यदि परेशानी पैदा कर रहा है तो। ये रिस्पांस ठीक है दोस्तों इसका, बहुत ज्यादा ये तो नहीं बोलूंगा मैं, हाई-फाई है लेकिन ठीक है, उसके हिसाब से चीजें दे रखी है इसमें। डिजिटल स्पीड वगैरह, पावर वगैरह, टॉर्क वगैरह शो होती है इसमें, कितना परसेंट गाड़ी यूज कर रही है जब आप कोई भी इसका जोर लगवाएंगे तो। अच्छा लेआउट है दोस्तों, ठीक ठाक। गाड़ी की इन्फो वगैरह लेना चाहते हैं आप तो वो भी मिलेगी आपको, देखिए इसमें TPMS मिलता है, एक अच्छी बात है। तो टायर में हवा कितनी है वो वाली चीजें बताता है ये बेहतरीन है। टच रिस्पांस ठीक ठाक है दोस्तों, इंप्रूवमेंट हुई है इसमें, लेकिन थोड़ा सा ये साइड में जो बेजल बड़ी दिख रही है ना, तो बड़ा हो सकता था, थोड़ा सा फील गुड फैक्टर और बेहतर रहता। बाकी बैठते इसमें भी अच्छा है, बोनट पूरे तरीके से विजिबल है। ये देखिए यहाँ पर आपको टिकट होल्डर मिलता है, सनवाइजर जो ड्राइवर साइड आपका, बीच में मैनुअल IRM रहेगा, दोनों गाड़ियों में सेम टू सेम है। और यहाँ पर वैनिटी मिरर मिलता है आपको नॉन ड्राइवर साइड, ये हार्ड टॉप रहेगा इसमें। कैबिन लाइट यहाँ पर भी LED है दोस्तों उसकी तरह। स्पीकर दो आपके यहाँ पर दे रखे, एक छोटे ट्वीटर हैं, दो आपके फ्रंट में नीचे की तरफ दिए गए हैं। साउंड आउटपुट दोनों गाड़ियों में ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत ज्यादा हाई-फाई यदि सुनना चाहते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा लगे, बाकी मैं जो सुनना चाहता हूँ मुझे जो पसंद आता है उसके हिसाब से बिल्कुल स्पॉट ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए ना दोस्तों, यदि वैल्यू फॉर मनी परपोज में कोई गाड़ी आप देख रहे हैं तो स्कॉर्पियो N का जो मॉडल है वो ज्यादा बेहतर है। कोई माचो गाड़ी आप देख रहे हैं ना दोस्तों कि लोग मुड़ मुड़ के देखें, अलग से रोड प्रेजेंस हो, तो थार गाड़ी आपके लिए बेहतर चॉइस बन सकती है। लेकिन यदि ओवरऑल यदि वैल्यू फॉर मनी बात करें ना, आपके मेहनत के पैसे यदि किसी गाड़ी में लगने चाहिए, तो मेरे हिसाब से आंख बंद के स्कॉर्पियो N जो है ना बेस मॉडल पेट्रोल के साथ सबसे जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करता है दोस्तों, पूरी सेगमेंट में, ऊपर वाले नीचे वाले सब सेगमेंट में बेहतर गाड़ी है दोस्तों। इतनी बड़ी गाड़ी इस प्राइस पॉइंट में मिलना काबिल तारीफ बात है। तो यदि जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।